हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष रंजन और आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल पीजीएस टाइम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर तैयारी के लिए बेहतर रणनीति की आवश्यकता होती है और बेहतर रणनीति तैयारी की छोटी छोटी योजनाओं पर निर्भर होती है। अर्थात सफलता के लिए बेहतर रणनीति के साथ तैयारी आवश्यक है। दोस्तों, किसी भी राज्य में सिविल सेवा परीक्षा राज्य की सर्वोच्च प्रतियोगी परीक्षा मानी जाती है। इस परीक्षा में सफल होने वाले प्रतिभागी सिविल सेवक बनकर लोगों के साथ सीधे जुड़कर उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिहार राज्य सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानेंगे कि बीपीएससी क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, साथ ही परीक्षा कितने चरणों में होती है और प्री और मेंस के सिलेबस को समझेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बीपीएससी क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी एक आधिकारिक संस्था है जो बिहार राज्य के अंतर्गत अपनी सेवाएं देने वाले विभिन्न प्रशासनिक पदों अर्थात सिविल सेवाओं में भर्ती हेतु परीक्षाएँ आयोजित करवाता है। बिहार लोक सेवा आयोग कई प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करता है। इनमें से एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कंबाइंड कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है। यह परीक्षा बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रशासनिक पदों जैसे एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, आरटीओ, जेल सुपरिटेंडेंट इत्यादि पदों के लिए आयोजित होता है। बीपीएससी कई तरह की परीक्षाएँ आयोजित करती है। उनमें से एक कंबाइंड कंपटीशन एग्जामिनेशन अर्थात संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जो एक त्रिस्तरीय परीक्षा है। अर्थात यह 3 चरणों में संपन्न होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में एक ही पेपर जीएस का 150 मार्क्स का होता है। मेंस में 100 मार्क्स का हिंदी पेपर की परीक्षा होती है, जिसमें सिर्फ 30 मार्क्स लाकर क्वालिफाई करना होता है और इसके मार्क्स मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं। उसके बाद जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक ऑप्शनल पेपर की परीक्षा होती है। ये तीनों 300 मार्क्स के होते हैं। मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो 120 मार्क्स का होता है। अर्थात मेंस में 900 और इंटरव्यू में 120 मार्क्स जोड़कर कुल 1020 मार्क्स के लिए ये परीक्षा संपन्न होती है। अब थोड़ा विस्तृत रूप से इन तीनों चरणों की परीक्षाओं पर एक नज़र डालते हैं। बीपीएससी में सबसे पहले प्रथम चरण प्रीलिम्स की परीक्षा होती है। इसमें एक ही पेपर जीएस का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। अर्थात 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं। ये 150 क्वेश्चन लगभग 8 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। इनमें किसी प्रकार के निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है। प्रीलिम्स में कौन कौन सब्जेक्ट से और कितने प्रश्न आते हैं, ये बेहतर तैयारी के लिए जानना आवश्यक है। तो आइए हम पिछले साल के क्वेश्चन के विश्लेषण से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन का एक पेपर होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट अफेयर्स और मैथ के सवाल होते हैं, जिसमें हिस्ट्री से 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम 4 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री से ही होते हैं। अर्थात इन दोनों भागों की तैयारी आवश्यक है। बीपीएससी में ज्योग्राफी से 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी। उसी तरह से हम तीसरा भाग इंडियन पॉलिटी को ले सकते हैं। इंडियन पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी और बिहार पॉलिटी दोनों से सवाल होते हैं। उसी तरह से इकोनॉमिक्स से 10 से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमी
और बिहार इकोनॉमी से भी सवाल होते हैं। उसी तरह से साइंस से 20 से 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम में होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल होते हैं। छठा सब्जेक्ट हम करेंट अफेयर्स के रूप में ले सकते हैं, जिसे हम 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, नेशनल करेंट अफेयर्स और बिहार करेंट अफेयर्स। सातवां सब्जेक्ट हम मैथ के रूप में पढ़ सकते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक लेवल के होते हैं एग्ज़ाम में रहते हैं। जो छात्र प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं उन्हें मेंस के लिए बुलाया जाता है, अर्थात मेंस एग्ज़ाम या मुख्य परीक्षा इस एग्ज़ाम का दूसरा चरण होता है। इसमें सबसे पहले एक क्वालिफाइंग पेपर हिंदी की परीक्षा होती है, जिसमें 100 क्वेश्चन और समय 3 घंटे का होता है, जिसमें हिंदी एसे से 30 क्वेश्चन, हिंदी ग्रामर से 30 क्वेश्चन, सिंटेक्स से 25 और प्रेसिस और समरी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में क्वालिफाई होना आवश्यक है, लेकिन इसके मार्क्स मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं। अब मुख्य परीक्षा शुरू होती है। सबसे पहले GS पेपर 1 की परीक्षा होती है। इसके प्रश्न 3 खंडों में बटा होता है। खंड 1 में मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर से 6 सवाल होते हैं, जिनमें 3 सवाल का जवाब देना आवश्यक होता है। खंड 2 में करेंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 3 का जवाब देना आवश्यक होता है। खंड 3 में स्टैटिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 2 का जवाब देना आवश्यक होता है, अर्थात पेपर 1 के कुल 15 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। दूसरे दिन GS के पेपर 2 की परीक्षा होती है। यह भी 3 खंडों में बटा होता है। खंड 1 में पोल साइंस से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 3 का जवाब देना आवश्यक होता है। खंड 2 में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 3 का जवाब देना आवश्यक होता है। खंड 3 में साइंस और टेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 2 का जवाब देना आवश्यक होता है, अर्थात पेपर 2 के कुल 12 क्वेश्चनों में से 8 क्वेश्चनों का जवाब देना आवश्यक होता है। तीसरे दिन आपके द्वारा चुना गया एक सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर की परीक्षा होती है। उदाहरण के रूप में एक पेपर ज्योग्राफी को लेकर समझते हैं। जिनका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा उनके लिए खासकर ये लाभदायक होगा। ज्योग्राफी पेपर 2 खंड में बटा होता है। खंड 1 में फिजिकल ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 3 का जवाब देना आवश्यक होता है। खंड 2 में इंडियन ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी 3 क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य होता है, अर्थात 12 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इस प्रकार मेंस एग्ज़ाम की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रीलिम्स और मेंस के बाद तीसरे चरण की प्रक्रिया अर्थात इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होती है। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। इसमें आपकी पर्सनालिटी, प्रेजेंट ऑफ माइंड, सामाजिक ज्ञान, धैर्य, शालीनता, स्वभाव, चंचलता, रुचि इत्यादि की परख होती है। तो दोस्तों, आज आपने BPSC एग्ज़ाम के प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की पूरी जानकारी हासिल की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ हम अगले वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से क्लास शुरू करेंगे। आप मेरी वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।